नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के तमाम युवा भी इस बार टिकट मांग रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे साथ शख्स हैं जो युवा हैं, केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र हैं, प्रबल प्रताप सिंह रघु भैया, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं संगठन में भी एक अहम भूमिका मानी जाती है। आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, इस बार क्या माहौल है 2023 का मध्य प्रदेश में? 2023 में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और मोदी जी की और शिवराज जी की योजनाओं को लेकर हम लोग पार्टी के लिए सभी लोगों को सशक्त रूप से मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी से निभा रहा है। 2018 का चुनाव देखा जाए तो कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस में से जब सिंधिया जी भाजपा में आए, फिर भाजपा की सरकार 2020 में बनी, इस बार क्या स्थिति बनेगी, क्या ऐसी कुछ उलट फिर होगा क्या? नहीं, इस बार ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। इस बार बीजेपी की पूरी सीटें आएंगी और पूरी बहुमत से। वो तो थोड़ा हम लोगों की कमियां रह गई थी, इस वजह से सरकार उनकी बन गई और इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जो कमियां रह गई थी उस पर भी इस बार विचार हो रहा है। सारे बड़े लीडर क्षेत्रों में जा रहे हैं, राय ले रहे हैं, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सारा चल रहा है। कुछ दावे कर रहे नेता कि गुजरात पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा, नए युवाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्या आप देख सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनेगी? हाँ, इस बार युवाओं को पार्टी मौका देने भी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मौका भी देगी। ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से गुजरात पैटर्न पर चुनाव होगा, ये बड़े लेवल का विषय रहता है। संसदीय बोर्ड और प्रदेश की कमेटी की बोर्ड ये तय करती है कि कैसे चुनाव लड़ना है, उनको कमियाँ नज़र आएंगी, तो इस हिसाब से वो उचित समय पर उचित निर्णय संगठन के लोग लेंगे। मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं 2023 के, तमाम तैयारी कर रहे नेता भी से क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लाडली जो बहना योजना है, लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा और कितने महिलाएं इससे जुड़ेंगी? आप देख रहे हो कि शिवराज जी पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और लाखों लाख बहनों को उनको आशीर्वाद मिल रहा है, लाखों लाख बहनें इससे लाभान्वित हो रही हैं और इस योजना का चुनाव में हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ सीटें जो मध्य प्रदेश में जहाँ पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं, वहाँ पर जैसे हार हुई थी भाजपा की, वहाँ पर क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा क्या, जो रिपीट हुए हैं, जो चुनाव हारे हैं, ऐसे आप कैसे देखते हैं? अभी तो पार्टी तय करेगी, सर्वे में जिसका भी नाम आएगा, जनता वहाँ से जो सर्वे में हमारे लोग जाएंगे, राय शुमारी होगी, पैनल में आएगा जिनका नाम, उस पर पार्टी विचार करेगी, उसके बाद तय होगा। शाजापुर जिले में भी गए थे हम, शाजापुर की 3 विधानसभा सीट पर घूमने आए, शाजापुर विधानसभा में घूमना हमने, कई ऐसे नेता हैं जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपसे भी जुड़े हैं, वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। जुड़े तो पार्टी से होते हैं, बाकी एक माध्यम होता है हम लोगों के बहाने, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है टिकट की। सब लोग मांगने का अधिकार है कि मैं भी कल मांगूंगा, दुनिया कल मांगेगी, पर पार्टी जिसको देती है उसके लिए हम सब लोग फिर मिलकर काम करते हैं, उसको जिताते हैं। क्या संदेश रहेगा मध्य प्रदेश के युवाओं को? मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को तय करके, अपने भविष्य को तय करके भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और सपोर्ट प्रदान करें। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इसका कुछ असर दिखेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव या लोकसभा में? राहुल जी की यात्रा थी वो एक सामान्य यात्रा थी उनके हिसाब से, बाकी उनका यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई ऐसा उनका खास लोकप्रिय नहीं है, कोई उनका जादू यहाँ पे नहीं चलेगा, तो सामान्य यात्रा थी तो वो उनकी निकल गई। तमाम मुद्दे थे विधानसभा चुनाव को लेकर, रघु भैया हमारे साथ थे, लगातार क्षेत्र में सक्रिय युवा भी मिलने आ रहे हैं, युवाओं के लोकप्रिय नेता ही माने जा जुड़े हमारे साथ। राजधानी समाचार न्यूज़ कमेटी की रिपोर्ट, भोपाल।